हेलो फ्रेंड्स, asusomkitchen.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपके संग शेयर करूंगी यूपी का बहुत ही फेमस मटर निमोना की रेसिपी। मटर निमोना आप इसको किसी के साथ भी सर्व कीजिए, हर किसी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, साथ ही आपके खाने का जायका भी बढ़ाता है। मैंने ऑलरेडी दो तरीके से मटर निमोना की रेसिपी शेयर की है। ये कुछ हटके है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका लुक्स और इसकी जो रेसिपी है वो बहुत अलग है, दिख रही होगी आपको। तो इस रेसिपी को आपको पूरा देखना है तो आप भी बना पाएंगे इतना टेस्टी और स्वादिष्ट ये मटर निमोना। चलिए स्टार्ट करेंगे। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मटर निमोना बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लगने वाली सामग्री ले ली है, जैसे कि 1 कप मैंने मटर लिए हैं। अब मटर निमोना बेस्ट बने, अच्छा बने, तो उसके लिए आपको लेने हैं ऐसे पके पके मोटे मोटे दाने। आपको बिल्कुल मीठे वाले दाने नहीं लेने हैं ये निमोना बनाने के लिए। तो मोटे मोटे टाइट टाइट वाले आप मटर निमोना के ये मटर ले लें। साथ ही एक बड़े साइज का टमाटर जिसे मैंने स्लाइस कट में काटा है, एक बड़ा साइज का आलू जिसे मैंने विंग्स कट में काटा है, साथ ही लिए मैंने धनिया लिया है, यहाँ पे मैंने विथ डंडी लिया है, इसका भी स्वाद आता है बहुत अच्छा। और ये हरी मिर्च ली है मैंने, ये 2 ली है, ये ज्यादा तीखी नहीं है। 1 चम्मच ले लिया है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही मैंने ये बड़ी ले ली है जो कि उड़द की और सब्जियों के मिक्स की बनी हुई बड़ी है। आप कोई सी भी बड़ी ले सकते हैं या फिर टोटल स्किप कर सकते हैं। अब सबसे ज्यादा जायका बढ़ाने वाला जो ये हमारा इंग्रेडिएंट है, ये है साबुत खड़ा धनिया के दाने। तो ये ले लिया है मैंने 1 बड़ा चम्मच। अब इसकी तैयारी कर लेते हैं। तो एक मिक्सिंग जार में यहाँ पे मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच ये धनिया के दाने, साथ ही जो भी धनिया हमने लिया था के बराबर, और मिर्च को तोड़ के डाल देंगे। देखिए मिर्च ज्यादा तीखी नहीं है इसलिए आप कम ज्यादा कर सकते हैं। और टमाटर डाल देंगे इसमें हम, अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम डाल देंगे। आप चाहें तो अदरक लहसुन के पेस्ट की जगह 7 से 8 लहसुन की कलियां और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा डाल सकते हैं। साथ ही इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे और ढक्कन लगा के इसको बिल्कुल महीन हम चटनी के जैसा पीस लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे चटनी के जैसा बिल्कुल महीन पीस लिया है और ये बन के तैयार हो गया है हमारा बढ़िया सा पेस्ट। तो इसको हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और जार को हमको धोने की जरूरत नहीं है, बस आप पानी ना डालें इस चटनी में। तो ये चटनी हमारी निकल गई है, अब इसे साइड रख देंगे। सेम जो हमारा जार है उसी में ही हम डाल देंगे मटर। तो ताजे मटर ले लिए हैं मैंने यहाँ पे, इसमें डाल देंगे। अब मटर में थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे जिससे ग्राइंड होने में थोड़ा सा आसानी हो। अब इसे पीसने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ इसको 4 से 5 बार या 2 से 3 बार पल्स करना है, वो डिपेंड करता है मिक्सी की स्पीड वगैरह परफॉर्मेंस पे। और ढक्कन लगा देंगे और इसके जो मटर है थोड़े से बचने चाहिए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इसको पीसना है। ये देखिए ये दरदरा पेस्ट है, यानी इसमें आधा तो बिल्कुल पेस्ट बन गया है, साथ ही थोड़ा दरदरा है और थोड़े से इसमें मटर के दाने भी हैं। मटर के दाने अगर बिल्कुल ही इसमें पीस जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग से भी मटर के दाने ऐड कर सकते हैं। वो मैं आपको बता दूंगी कि कौन सी स्टेज पे आपको मटर के दाने करने हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लिया है। कढ़ाई आप लोहे की भी ले सकते हैं, आपके पास जो भी कढ़ाई हो अवेलेबल हो आप वो ले लें। कढ़ाई गर्म हो जाए फिर इसमें हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच ये मैंने मूंगफली का तेल लिया है, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। अब हमें आलू को इसमें फ्राई करना है। तो आलू को हमें पूरी तरीके से पकाना नहीं है, ना ही इसे पूरा क्रिस्पी करना है, ना ही जलाना है इसे, बस हमें इसके कोने कोने में एक अच्छी सी सुनहरी एक कोटिंग आ जाए, आलू बढ़िया से दिखने लग जाए बिल्कुल फ्राई हुआ जैसा, उतने तक हम इसको फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्किन है वो अच्छे से पफ हो गई है और कोने कोने में इसकी जो है गोल्डन लाइन जैसी आ गई है। तो अब इसको थोड़ा सा साइड कर लेंगे। अब जो जगह बची है उसमें हम डाल देंगे हमारी ये बड़ियां। बड़ी डालने के बाद आपको ज्यादा फ्राई नहीं करनी है क्योंकि बड़ी जो है ना वो बहुत जल्दी बर्न हो जाती है, तो ये कड़वी लगेंगी। इसे आप 30 से 40 सेकंड के लिए ही फ्राई करें आलू के साथ, यानी आलू जब आप उतारने वाले हो तभी आपको ये बड़ी को फ्राई करना है। अब इसको हम उतार के साइड रख लेंगे। तो आप इसको निकाल लें, ऑयल को एक्सेस जो भी है वो आप छान लें अच्छे से। तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देंगे, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगी हमारा ये मटर निमोना। अब सेम कढ़ाई में ही हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच जीरा और जीरे को अच्छे से शेक करके इसको बिल्कुल भूनने देंगे। फिर इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हींग। हींग जरूर डालें क्योंकि बहुत अच्छा स्वाद आता है, हींग से डाइजेशन के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होती है। अब हमारा जो ये चटनी का पेस्ट है इसको हम पूरा का पूरा डाल देंगे। इसमें डालेंगे हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर,
एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और हल्दी पाउडर आप कम डालेंगे तो अच्छा लगेगा। आप चाहे तो थोड़ा सा ज्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हल्दी पाउडर जो है वो थोड़ा सा कम ही डालती हूँ। इससे मटन निमोला का जो स्वाद है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। तो अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे मीडियम फ्लेम पे भूनना है। आज थोड़ी देर बाद आप देखेंगे इसका कलर जो है वो चेंज होता जा रहा है। तो देखिए ऑयल भी बहुत ही बढ़िया तरीके से रिलीज हो गया है। हमारा जो ये मसाला है ये अच्छे से भुन गया है। देखिए मटर निमोला बनाने के लिए हमें इसकी भुनाई बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल निकल गया है। इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे हमारा ये मटर का जो हमने फाइन कोर्स पेस्ट बना के रखा हुआ है, और जितना भी बच जाए जार में उसको आप पानी, मतलब ज्यादा पानी नहीं कम पानी डाल के अच्छे से साफ करके इस जार को ले लें। इससे क्या है ना वेस्टिंग नहीं होगी कुछ भी। अब इसे हमें कंटिन्यूसली 4 से 5 मिनट के लिए भूनना है। जितना अच्छा आपका मटर भुनेगा, ये पेस्ट भुनेगा, उतना ही अच्छा आपका ये मटर निमोना बनेगा। ये गारंटी देती हूँ मैं आपकी कि अगर आपने इसको अच्छे से भून लिया मसाले को बढ़िया तरीके से, तो आपको मटर पनीर अच्छा बनने से और स्वादिष्ट बनने से और आपकी गारंटी तारीफ होने से तो कोई नहीं रोक सकता। तो मटर आप जब मैंने पेस्ट डाला था ना थोड़े से उसमें भी डाल सकते हैं। अब ये मटर हमारे अच्छे से भुन गए हैं, कढ़ाई को इसने छोड़ दिया है। अब इसमें हमारे जो ये फ्राई करे हुए आलू और बड़ी थी ये हम मिला देंगे, और इसके साथ इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए भूनेंगे जिससे कि मसाले का जो टेस्ट है वो हमारे आलू और बड़ी में आ जाए। फिर इसमें हम डाल देंगे आवश्यकता अनुसार, यानी जितनी आपको ग्रेवी रखनी है मटर निमोना की उतना आप पानी लें, लेकिन पानी हमेशा आप गर्म लें। देखिए वैसे भी ठंडी के समय में ही ये मटर निमोना बहुत ज्यादा बनाया और खाया जाता है, तो आपको गर्म पानी ही इसमें डालना है। फिर इसमें हम एक बॉयल आने देंगे अच्छे से, और बॉयल आने के बाद इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। तो नमक आप पहले थोड़ा सा ही डालें क्योंकि अभी ग्रेवी बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी ये पकेगी, थोड़ा सा रिड्यूस होगी थोड़ी सी ये ग्रेवी, तो आपको जो नमक है ना थोड़ा सा जितना खाते हैं उससे थोड़ा सा कम डाल लें। फिर इसे ढक के आप कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने दें। 7 से 8 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जो ग्रेवी है वो बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंसी की हो गई है, थिक हो गई है, ज्यादा रनी नहीं है, ज्यादा पेस्ट भी नहीं बनी है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया लग रही है। हमारा मटर निमोना इतना बढ़िया बनके तैयार हुआ है। आप भी ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपका भी ऐसा ही मटर निमोना बनेगा, और इसके स्वाद की मैं क्या कहूँ, आप खा के देखेंगे तो आप खाते ही रह जाएंगे। तो इसको जल्दी से हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। मटर खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। मटर खाने से आप अपना वेट भी रिड्यूस कर सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं, और इससे कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉब्लम होती है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि ये गुड कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है, हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी रखता है। और मटर हर एक चीज़ में खाना अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर जो मटर है वो मेन इन्ग्रीडियंट है, तो ये मटर निमोना कहलाता है इसीलिए। और ये यूपी और बिहार साइड में बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब तो ये पूरे इंडिया में खाया जाता है क्योंकि ये इतना टेस्टी, हेल्दी और बढ़िया लगता है। देखते ही आपको लग रहा होगा कि ये कितना स्वादिष्ट बना है। तो आप भी जल्दी से स्टार्ट हो जाइए बनाने के लिए इस रेसिपी को, और आप इस रेसिपी को बना के जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा। ये अच्छी है, स्वादिष्ट है, टेस्टी है, बनाने में आसान है। तो फिर वेट किस बात का कर रहे हैं, बनाइए और मुझे अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।